सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार, अपराध और अपराध भ्रष्टाचार बिहार की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण रहा। युवाओं को पलायन के लिए विवश करने वाला कौन था? राजद ही तो था। और नियुक्ति की बात करते हैं, मुंह छुपाए फिरते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ खुशी सिंह। तेजस्वी यादव का बयान आया था कि भाजपा ने बिहार को भुखमरी, पलायन और गरीबी के अलावा कुछ नहीं दिया। इस पे विजय सिन्हा का बड़ा बयान आना है। विजय सिन्हा ने ये बोला है कि बिहार को गरीबी किसने दिया ये बिहार की जनता भी जान रही है, भ्रष्टाचारियों का कुछ नहीं होना है। तेजस्वी का ये बयान था कि भाजपा के पास मुद्दा नहीं है बात करने के लिए, इसीलिए वो सिर्फ इन्हीं मुद्दों पे बात करते हैं। इस पे भी विजय सिन्हा ने तंज कसा है। क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा, सुनिए। तेजस्वी यादव जी पिता के तरह पर बोलापन के शिकार हो रहे हैं। अरे बिहार के अंदर युवाओं को पलायन के लिए विवश करने वाला कौन था? राजद ही तो था। बिहार को गरीब बनाने वाला कौन है? बिहार के अंदर सामाजिक समरसता को तोड़ने वाला कौन है? और बिहार को जातीय उन्माद और नरसंहार बनाने वाला भी तो यही है। आज प्रधानमंत्री जी जब सच उजागर किए हैं तो ये परेशान है, बौखलाहट में है। उन्होंने तो ठीक ही कहा कि भ्रष्टाचार का प्रतीक कौन है। अब ऐसे भ्रष्टाचारी सजायाफ्ता लोग देश के और राज्य के भविष्य को बदलने की बात करते हैं तो ये हास्यास्पद है। जो चार्टर्ड विमान में बैठ के बर्थडे मनाएगा, गरीबों के पैसे पर लोग अय्याशी करेगा, ऐसी मानसिकता बिहार को नहीं चाहिए। बिहार की जनता अतीत से सबक लेकर भविष्य को सुधारेगा। लेकिन कह रहे हैं कि मुद्दा नहीं है इसलिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं, अगर मुद्दा होता तो जरूर बोलते। सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार, अपराध और अपराध भ्रष्टाचार बिहार की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण रहा। अरे आज यही देश के प्रधानमंत्री हैं जिसके रीजन में आतंकवाद और उग्रवाद समाप्त हुआ, लेकिन बिहार के अंदर आपके जातीय जहर के लहर के कहर से लोग पलायन के लिए विवश हुआ, अपराधियों का साम्राज्य चला और भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। आप लोग भ्रष्टाचार पे सवाल खड़ा करते हैं, तेजस्वी ने ट्वीट कर ये भी कहा है कि अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए जो है भ्रष्टाचार का नाम उन्होंने आगे कर रहे हैं। हमने कहा कि भूल करके जैसे आज आपके साथ भ्रष्टाचार पर चारा घोटाला पर लोगों ने उजागर किया, आपके पास प्रमाण है, तो कोई भी बीजेपी के साथ है या बीजेपी के लोग है उसके बारे में क्यों उजागर नहीं करते हो? खुला तो है, अदालत का दरवाजा तो सबके लिए खुला है, क्यों नहीं जाते हो? क्यों प्रमाणिकता पेश नहीं करते हो प्रेस मीडिया के माध्यम से? जो इस विषय को वो बार बार उठा रहे हैं तो डर क्यों रहे हैं? एक ही प्रश्न तो पूछ रहा है कि चपरासी क्वार्टर में रहने वाला ये महलों का राजा और चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने का कहाँ से सौभाग्य मिला? दो पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र होने के नाते ही तो मिला। इसकी पैसा थी, बिहार की जनता की गाड़ी कमाई थी, इनको अवसर मिला एक भी? और नियुक्ति की बात करते हैं, मुंह छुपाए फिरते हैं। पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे, एक भी नियुक्ति किए हैं क्या? दो बार उप मुख्यमंत्री बने उस विभाग के अंदर बताएं। अरे एनडीए के किए हुए काम को अपना पीठ थपथपाने का एक भी न विजन है न इनका कोई कार्य है। ये राजनीतिक गप्पेबाज हैं और बड़ बोलेपन के शिकार हैं।